मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरी म्यूनसिपाल्टी ख़राब है, म्यूनसिपाल्टी का, बट वहाँ पे कोई कोई ऑफिसर्स जो बैठे हैं, दे आर सिटिंग, रॉन्ग पर्सन इज सिटिंग ऑन द राइट सीट। सीट गलत नहीं है, बट आदमी जो वहाँ पे बिठाया गया है वो गलत है। एंड आई कैन ओपनली से दिस, मिस्टर गिल्सन गोंसाल्विस इज 100% करप्ट। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज़ लाइव। आइए नज़र डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हूं वसई के वापोला में। यहाँ हमारे साथ में किरण कुमार करके एक प्रताड़ित बोलूँ या परेशान व्यक्ति, वो हमारे साथ में खड़े हैं। इनकी कुछ परेशानियाँ हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या मामला है और क्या कुछ विषय है। लेकिन इनसे बात करूँ, आपकी मुलाकात कराऊँ, इसके पहले सीधे सीधे ये बता देता हूँ, वसई विरार महानगर पालिका का जो भ्रष्टाचार है हमेशा सामने आता रहता है। उसी कड़ी में ये एक और भ्रष्टाचार यहाँ सामने लेके आने वाले हैं, और इसके भी लिंक कहीं ना कहीं उसी एक शख्स से जुड़ते हैं जिससे हमेशा के लिंक जुड़ते चले जा रहे हैं। और कोई नहीं, वसई का सबसे चर्चित इंसान गिल्सन गोंसाल्विस, प्रभारी सहायक आयुक्त प्रभाग समिति नवगर माणिकपुर H, अभी फ़िलहाल नहीं है वहाँ पर, लेकिन सालों से वहाँ पर कुर्सी पर जमकर वो जो इंसान बैठा था, उसी के तार इस मामले से भी जुड़ते हैं। तो सीधे बात करते हैं किरण कुमार जी से। किरण कुमार, नमस्कार। नमस्कार किरण कुमार जी, क्या आपकी परेशानी है और क्यों आपको हमारी याद आई? क्या है, मेरे साथ बहुत सारा नाइंसाफ़ी हुआ है, बहुत सारा टॉर्चर्स, बहुत सारा झूठा आरोप इल्ज़ाम लगाया गया है। किसने लगाया, क्या हुआ? हमारे सोसाइटी में एक इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया है टेरेस के ऊपर। सोसाइटी ने हमसे पैसे लेके, हमारे सोसाइटी का फंड्स यूज़ करके टेरेस के ऊपर ऑफिस रूम बोल के बनाया गया था। अब ऑफिस रूम मैंने सोसाइटी को बार बार इनका इन्फॉर्मेशन देते गया, मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स भी घुमाए गए थे। मेरे डैड मॉम का एक्सपायरी होने के बाद, हमारे नाम पे करने के बाद, नॉमिनेशन फॉर्म सोसाइटी का पूरे चेयरमैन, सेक्रेटरी, कमेटी मेंबर्स ने घुमा दिया था। उसके ऊपर आप अभी सोसाइटी मेंबर नहीं हो? अभी मैं सोसाइटी का मेंबर हो गया हूँ। काफ़ी मैटर हो गया, ये मैटर रजिस्टर ऑफिस तक चला गया, पुलिस स्टेशन में भी हो गया कंप्लेन। अभी ये 2018 का जो सेक्रेटरी और चेयरमैन जो मेरे खिलाफ मारने मुझे आए थे, वो सब वापस केस वापस रीओपन हो गया है। और यहाँ पे इन्होंने मेरा नॉमिनेशन फॉर्म घुमा दिया था। उसके बाद मैं बार बार इनसे पूछता था कि लाइक सोसाइटी का ऑफिस, मुझे डॉक्यूमेंट्स देखना है, बहुत सारे सोसाइटी का मैटर्स देखना है, पेपर्स, और मैं कुछ लेटर्स लिखता हूँ तो ये कुछ जवाब देते नहीं। और इनका मेरे पास लिखित में, सोसाइटी का लिखित में आंसर है कि येस, हमने बहुत सारे जवाब इनको दिया नहीं है। मेरा ऐसा सुनने में आया है कि सोसाइटी का एक टेरेस के ऊपर रूम जिसकी अभी बात कर रहे थे, yes, तो आप उसको तुड़वाने के पीछे लगे हो, ऐसा क्या? मैं उसको तुड़वाने के पीछे नहीं हूँ, मैं उसको तुड़वाना नहीं चाहता हूँ। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है जो बाय लीगल, जो बाय लॉ, उसका जो लॉ है, लॉ के हिसाब से अगर वो इलीगल है तो आप एक्शन लीजिए। मैंने आके किसी को बोला नहीं कि उसको आके तुड़वाए। मैंने सिर्फ जाके मैं सोसाइटी को पूछा, बार बार पूछा, ये ऑफिस रूम के नाम पे आप लोगों ने सोसाइटी का फंड्स यूज़ करके ऑफिस रूम बनाया गया है, ऑफिस रूम वहाँ पे चलता क्यों नहीं है? चेयरमैन को फ़ोन करता है तो चेयरमैन बोलता है हाँ वो चलता है, नहीं है, हम लोग ने बंद किया है। ट्रेजरर को पूछा गया तो ट्रेजरर बोलती है, चेयरमैन जो है कुबेरा का चेयरमैन अभी जो ये है मैनेजर है मिस्टर नित्यानंद शेट्टी, उनसे मैंने फ़ोन करके पूछा गया कि सोसाइटी का ऑफिस रूम चल रहा है नहीं चल रहा है। उनको मैंने लिखित में लेटर्स भी लिखा है, बेको उनका कोई जवाब नहीं दे रहा है। फिर दूसरी बार मैंने वापस लिखा, उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ पे आपको हम पेपर्स दिखाने के लिए जो भी आपको सोसाइटी का डॉक्यूमेंट्स देखना है हम तैयार है, लेकिन मैं उनको कोई जगह नहीं बता रहे कहाँ पे, क्योंकि हम जब उनको नोटिस ये लेटर्स भेजते हैं, कुछ भी भेजते हैं, उसका कोई जवाब नहीं देते और हमें उनका घर पर भेजना पड़ता है। आपके आरोप अपनी जगह पर हैं, लेकिन हमारा देश ये आरोप से नहीं चलता है, right. हमारा जो देश है कानून है वो चलता है पेपर से, yes. क्या आपके पास सपोर्टिंग पेपर है और क्या आपने अथॉरिटी के साथ में उसका पेपर वर्क किया है? यस, मेरे पास हर एक डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज वेन एवर आई डू माई करस्पॉन्डेंस, मैं कोई चीज़ मुँह बोली नहीं करता बिकॉज देयर इज़ नो प्रूफ। सोसाइटी को अगर मैं रिकॉर्डिंग करने मांगता हूँ, जो एज़ पर बाय लॉ के हिसाब से रजिस्टर ऑफिस ने भी लेटर दिया है, तो इनको रिकॉर्डिंग नहीं मांगता है। अगर कोई गलत आदमी होगा तो वीडियो रिकॉर्डिंग मांगेगा, वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग, जबकि सोसाइटी की कमेटी बोलती है हमको वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं मांगता है, बोलता है ये ऐसा बोल रहा है जैसे कि यहाँ पे शादी का रिकॉर्डिंग होगा, 20-25 हज़ार का खर्चा होगा। आज हर एक के मोबाइल में एक रिकॉर्डिंग है, सिंपल सी रिकॉर्डिंग करने के लिए कितनी खर्ची होती है? नहीं, रिकॉर्डिंग क्या कंसर्न, रिकॉर्डिंग इनका रिकॉर्डिंग, क्योंकि AGM में ये लोग मिनट्स गलत लिखते हैं, सब झूठ बोलते हैं और हमें बात करने का मौका नहीं देते, पूरी मीटिंग अधूरी छोड़ देते हैं। इनका यही है, इनका एक टीम है जो बार बार वही टीम बार बार ऊपर आ रही है, दूसरे नए मेंबर्स को आने देता नहीं है। यही जूना कमेटी मेंबर्स चला रहे हैं। अभी एक दो मेंबर्स जो है उसमें जो चेयरमैन है वो नया है, लेकिन आज इनके साथ घुल मिल के वो भी उनके साथ। अच्छा, महानगर पालिका इसमें किस तरह से इन्वॉल्व है, उनका क्या फॉल्ट है? महानगर पालिका के पास मैंने हर एक सबूत के साथ, पूरे सबूत के साथ लेटर, 2 लेटर दिया गया था 2022 में, और वो लेटर में मैंने उनको पूरा प्रूफ दिया था। यहाँ तक कि सोसाइटी का जवाब है मेरे पास, जो उन्होंने मुझे 2-4 को सोसाइटी ने लिखित में दिया है कि बिल्डर ने हमको कोई रूम बांध के नहीं दिया है। और अगर हम, मैंने अभी बात किया था आपके सेक्रेटरी से, ओके, फ़ोन पे बात किया था, तो वो ऐसा बोल रहे कि जब वो रहने आए तो पहले से बंधा हुआ था। वो उनका कहना है। चोर कभी बोलता है मैं चोर हूँ, मैंने चोरी किया? चोर हमेशा यही बोलेगा कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो एकदम सीधा हूँ, मैंने कभी कुछ किया नहीं। बट जब उसके एविडेंसेस बाहर आते हैं तब चोरी पकड़ी जाती है। नहीं, ऐसा बोल रहा है बिल्डिंग का कन्विंस डीड भी हुआ है, बिल्डिंग उसके बाद में जो भी लीगलाइजेशन प्रोसीजर है वो पहले ही हो चुका है। मैं तो अभी सोसाइटी का एक आपको जवाब लिखित में जो उन्होंने मुझे दिया है उनका जवाब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जो मैंने उनको क्वेश्चन पूछा था, मैंने उनको पूछा था, मैंने सोसाइटी को ये लिखित में पूछा था कि वहाँ टेरेस रूम जो ऑफिस रूम है, आपने हमसे ये ऑफिस रूम बोल के बनाया गया था, तो क्यों नहीं चल रही है? तो सोसाइटी का जवाब मुझे उन्होंने लिखित में दिया है कि आप हमें लिखते हो 30 साल प्लस हो गया है सोसाइटी रूम को, और यहाँ पे किसी ने ऐसा फुलिश, देखिए इनका जवाब, किसी ने ऐसा फुलिश, और किसी ने ऐसा फुलिश जवाब 30 साल में किसी ने नहीं पूछा है। नहीं पूछा ये सवाल, ऐसे सवाल किसी ने 30 साल में नहीं पूछा। आप बार बार कंप्लेन कर रहे हो कि सोसाइटी का ऑफिस रूम क्यों नहीं है, तो हम आपको बताना चाहते हैं बिल्डर ने हमें शिवसागर कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्डिंग में कोई ऑफिस रूम बांध के नहीं दिया है। और जब भी, और कन्वेंस डीड हमारा अभी 8 साल पहले हुआ है, और हमें अगर एक रूम बांधना है ऑफिस रूम तो हमें महानगर पालिका से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आपके इसके बारे में कुछ पता नहीं है तो कुछ भी आलतू फालतू बात हमसे मत कीजिए। मतलब वो ये नकार रहे हैं कि जो पहले से कोई ऑफिस फंक्शनिंग नहीं है और आज की तारीख में नया ऑफिस बनाना हो तो परमिशन हो, बराबर है। तो आपका इसमें क्या एलिगेशन है? इसमें एलिगेशन है कि वो मेरे पास, उनके पास जूना मिनट्स भी है जहाँ पे ये क्लियरली लिखा गया है कि ऑफिस रूम में टोटल डॉक्यूमेंटेशंस पेपर सोसाइटी का शिफ्ट करना चाहिए। मतलब ये क्लैश होने वाली बात है कि एक एजीएम में ये बोला जाता है कि ऑफिस रूम, और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ, इन्होंने मनपा को, म्युनिसिपल विरार, वसई विरार म्युनिसिपालिटी को एच इसमें वार्ड में लिखित में दिया है कि 1985 में बिल्डर ने वो रूम बनाया था। यहाँ पे मुझे लिखा है कि बिल्डर ने रूम ही नहीं बना के दिया था ऑफिस रूम। अच्छा, एक चीज़ इसमें आपको, दूसरी बात सर, और एक बात बता देता हूँ, डीम कन्वेंस का जब कॉपी मंगाया गया तो 1986 में सोसाइटी का बिल्डिंग का एनए पास हो गया, यानी कि बिन शेती वहाँ पे बिल्डिंग ही नहीं थी। ये सब बात मैंने मिस्टर गिल्सन गोंसाल्विस, जो उस टाइम वहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर थे, ये कंप्लेंट डालने से पहले मेरे साथ, उनके साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। सब कुछ एक्सप्लेनेशन के बाद ही उन्होंने मुझसे कंप्लेंट बोला, ठीक है आप कंप्लेंट दर्ज कीजिए। कंप्लेंट दर्ज होने के बाद उन्होंने वहाँ से नोटिस निकाल के भेजा सोसाइटी को कि अगर ये आप इसके जो भी है इस संबंधित रूम के बारे में बांधा गया है उसका टोटल डॉक्यूमेंटेशन दीजिए। अब डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने लेटर दिया है खाली सोसाइटी ने कि 1985 में ये बिल्डर ने ये रूम बांधा था और हम वहाँ पे, बिल्डर उस समय से खाली सीमेंट, पत्थर, रेती रख रहे थे और उसके बाद हम अभी वहाँ पे खाली ऑफिशियली उसका यूज़ कर रहे हैं। जब मुझे अगर ऑफिशियल यूज़ करके कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखित में क्या दिया है कि बिल्डर ने ऑफिस ही नहीं दिया है और तुमने फुलिश क्वेश्चन पूछा है। तो एक्चुअली ये ऑफिस कब बांधा गया? ये बताया गया है 2000 में हमसे पैसा लिया गया था कि लाइक सोसाइटी का एक फंड से इस रूम को बांधा गया था। अब दूसरी बात और एक बताता हूँ कि ये लोग ने तब बांधा है, उसके बाद डिमोलिश किया है कि पता नहीं, लेकिन 2017 में सोसाइटी का बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ है, वहाँ पर भी स्ट्रक्चरल ऑडिट में भी कहीं पे ये रूम का मेंशन नहीं किया है, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल ऑडिट हुआ है वो गवर्नमेंट रिकग्नाइज ऑथोराइज ऑडिटर से हुआ है, उन्होंने भी ये कहीं पे भी इस रूम का उल्लेख नहीं किया है। यानी कि ये 2017 के बाद फिर से इन्होंने मॉडिफाई किया है, क्या किया है, वहाँ पे ऑफिस रूम का इनका कोई भी जिक्र किया गया नहीं है। तो ये किरण कुमार जी जो बता रहे हैं ये काफ़ी पेचीदा मामला है और इनकी सोसाइटी का मामला है। वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत ऐसी कई सोसाइटी है जहां पर कई अनियमितताएं हैं जिसकी शिकायतें दिन ब दिन आती रहती है और कहीं ना कहीं सोसाइटी के जो प्रॉब्लम्स है उनको लेकर सिविल मैटर है करके पुलिस भी उसमें जल्दी इन्वॉल्व नहीं होती है और महानगर पालिका भी है वो ढुलमुल रवैया अपनाती है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे थे अभी, जब मैंने शुरू में कहा कि गिल्सन गोंसाल्विस के से तार जुड़े हुए हैं, तो ये मैंने इसलिए कहा कि मेरे कैंपेन चलाया हुआ है गिल्सन हटाओ महानगर पालिका बचाओ, तो इसमें इन्होंने भी अपना सिग्नेचर दिया, इन्होंने अपना सिग्नेचर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं है, ये एक मात्र ऐसे इसमें सिग्नेचर करने वाले हैं जिन्होंने रिटर्न में ये लिखा है गिल्सन इज 100% करप्ट, ये इनका खुद का लिखा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं एक ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इनको ये आभास हुआ है कि गिल्सन ने कुछ ऐसा हुआ, तो इस बारे में इनसे चर्चा करते हैं। किरण कुमार जी, आपने जो मेरे सिग्नेचर कैंपेन में सिग्नेचर दिया, yes. इसमें ये लिखा है कि गिल्सन इज 100% करप्ट, यस, क्यों ये नौबत आई? मैं ये नौबत इसलिए आया है कि कंप्लेन 1 साल होने को आ गया है और उन्होंने नोटिस निकाला सोसाइटी को। नोटिस निकालने के बावजूद मैंने उनसे जाके बात किया कि सोसाइटी ने क्या जवाब दिया। सोसाइटी का जवाब उन्होंने मुझे धमकी के हिसाब से दिया है। सोसाइटी ने जवाब मुझे दिया है, तुझे क्या करना है, तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला। अच्छा, ऐसा बस, यानी कि हम मैं उनको ये भी बताया कि भाई आपके पास मैंने जब कंप्लेंट किया तो सब कुछ साफ साफ बता के कंप्लेंट किया था, आपको लेटर में लिख के दिया था और आपने मुझे कहा था कि ये पूरा उनका एडअप किया। जब उनको मैंने RTI से मांगा है जवाब, आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मुझे RTI का फ्रीडम है और जवाब आपको ही देना है, तो ये जवाब नहीं दिए मुझे और मुझे उल्टा धमकी दिए, बोला तुझे जो करना है कर, मैं नहीं दूंगा तुझे जवाब। सोसाइटी ने मुझे जवाब दिया है, उसके बाद RTI में बाद मैंने फर्स्ट अपील को डाल दिया। फर्स्ट अपील के बाद भी, फर्स्ट अपील में भी सुनवाई में ये आए नहीं, ही वॉज एब्सेंट, उसका भी मेरे पास फुल प्रूफ कॉपी में है। उसके बाद RTI फिर से मैंने डाला VVMC में, मेन हेड ऑफिस में, वहाँ से डालने के बाद तभी भी मुझे इन्होंने RTI का जवाब एक ही इनका नोटिस ही दे रहा है यहाँ पे। लेकिन इन्होंने ये भूल गए कि मेरा कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में भी गया था, मुझे पुलिस स्टेशन से पूरा कोऑपरेशन मिला। पुलिस स्टेशन मानिकपुर पुलिस स्टेशन से मिस्टर बोपले सर, वडने साहब, महबूब तड़वी सर और जितने भी पुलिस वहाँ पे थे, उन्होंने सब ने मुझे पूरा प्रोत्साहन ये दिया और उन्होंने सपोर्ट भी किया। और इनका जो जवाब आया गया वहाँ पे मुझे पता चला कि क्योंकि मेरा कंप्लेंट वहाँ पे भी गया था, तब इनकी कंप्लेंट, जब मेरी कंप्लेंट गई थी, इनकी सोसाइटी ने जवाब जो दिया गया था वो सोसाइटी का जवाब एक ही पेपर में था कि 1985 में बिल्डर ने ये बिल्डिंग बांधा था। तो बस ये नोटिस के आधारित इन्होंने जो नोटिस मांगा है कि पूरे डॉक्यूमेंट देने के लिए, तो एक लेटर के उनके आधार पर उन्होंने पूरा ये भ्रष्टाचार नहीं है तो और क्या है। 1 साल लगता है एक नोटिस देने के बाद, आपने नोटिस में लिखा है 7 दिन के अंदर इसका पूरा आंसर दीजिए और सोसाइटी ने एक लेटर दिया है, उसके बाद दूसरा लेटर दिया है और वो भी वही है कि 1985 में बिल्डर ने बांधा है, तो इससे पूरी तहकीकात बंद हो गई। अभी वर्तमान में क्या परिस्थिति है? अभी वर्तमान में मैंने फिर से कंप्लेंट डाला है और अभी मिस्टर नीलेश माथरे करके जो असिस्टेंट कमिश्नर आए, उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मेरी बात को अच्छे से सुना और ये बात उन्होंने बोला कोई ये बात नहीं है, हम इस बात को उठाएँगे और आपको न्याय मिलेगा। उन्होंने ये कहा कि हम इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, आप कोई टेंशन मत लीजिए, हमें उनको एक नोटिस ये करने दीजिए। तो मुझे अभी उनके तरफ से होप्स है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरी म्यूनसिपाल्टी ख़राब है, म्यूनसिपाल्टी का, बट वहाँ पे कोई कोई ऑफिसर्स जो बैठे हैं, दे आर सिटिंग, अ रॉन्ग पर्सन इज सिटिंग ऑन द राइट सीट। सीट गलत नहीं है बट आदमी जो वहाँ पर बिठाया गया है वो गलत है। एंड आई कैन ओपनली से दिस, मिस्टर गिल्सन गोंसाल्विस इज 100% करप्ट। ये हमने एक पहलू किरण कुमार की बात सुनी, वहीं दूसरा पहलू बिल्डिंग के जो चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, उनकी भी बात हमें सुननी चाहिए। लेकिन हमने फ़ोन पे कांटेक्ट करने की कोशिश की, चेयरमैन से बात नहीं हुई, उनका फ़ोन रेंज में नहीं था। सेक्रेटरी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो बाहर है। तो मेरा आह्वान है कि बिल्डिंग के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे आह्वान है कि उनको अगर इस मामले में कुछ कहना है और वो अगर चाहे तो मेरे चैनल पर आकर ज़रूर अपनी बात रख सकते हैं। उनके लिए हमेशा दरवाजे खुले हैं, उनको जो अगर कुछ अपनी बात कहना है तो वो कह सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे किरण कुमार जी से, इन्होंने पूरा जिस तरह से अभी बताया 10-12 मिनट का पूरा आपने सुना है, क्या कुछ इन्होंने कहा, किस तरह से एक बिल्डिंग का इनका इशू है और किस तरह से महानगर पालिका उस पर रिएक्ट कर रही है। खास करके महानगर पालिका में तत्कालीन सहायक आयुक्त गिल्सन गोंसाल्विस ने किस तरह से रिएक्ट किया, 1 साल तक नोटिस दिया और कोई कार्रवाई नहीं की। हाल ही में हमने देखा है मानिकपुर में एक हादसा हुआ, वहाँ भी ऐसा ही हुआ था, गिल्सन गोंसाल्विस ने सिर्फ एक नोटिस दिया था और वहाँ हादसा हुआ, एक की जान गई। तो कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारी जब तक के कुर्सी पर बैठे रहेंगे शायद वसई विरार महानगर पालिका में लोगों के साथ न्याय नहीं होगा और कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों को हटाया जाना चाहिए। लेकिन वसई विरार महानगर पालिका के आला अधिकारी अभी भी उसको बचा रहे हैं। क्या कारण है? क्या आला अधिकारी भी इस गिल्सन गोंसाल्विस के भ्रष्टाचार में शामिल है? ये सवाल अब तक नहीं उठाया था कि ना आज इसलिए उठाया है कि कहीं ना कहीं जो गिल्सन को बचाया जा रहा है उसको लेकर सवाल सामने आ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, आज के लिए यहीं पे रुकेंगे। वसई से यूसुफ अली। चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786